डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय व्यक्तियों की। नोबेल पुरस्कार जो होता है ये सबसे बड़ा यानी सर्वोच्च पुरस्कार होता है और इसकी धनराशि भी सभी पुरस्कारों से अधिक होती है, अर्थात सर्वोच्च और सर्वाधिक धनराशि वाला जो पुरस्कार होता है उसे हम नोबेल पुरस्कार कहते हैं। नोबेल पुरस्कार जो होता है यह अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है जिसको 10 दिसंबर के रूप में जाना जाता है उसी तिथि में इसको प्रदान किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय व्यक्तियों को कब और किन क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था या इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, इन्हीं सब बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। इधर हमने नाम लिखा है उन व्यक्तियों का, इधर इनके क्षेत्र का विवरण है और इधर इनके वर्ष का विवरण है। नाम में पहला नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य के क्षेत्र में सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा है डॉक्टर सी वी रमन। इनको भौतिकी के क्षेत्र में सन 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर हर गोविंद खुराना, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में सन 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा, इनको शांति के क्षेत्र में सन 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एस चंद्रशेखर, इनको भौतिकी के क्षेत्र में सन 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सन 1999 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वी एस नायपाल, इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में सन 2001 में ये पुरस्कार दिया गया था। वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सन 2009 को ये पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी, इनको जो है शांति के क्षेत्र में सन 2014 में यह पुरस्कार दिया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय व्यक्तियों के बारे में अध्ययन किया। वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कब और किनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। हम आशा करते हैं कि आपकी परीक्षा में ये वीडियो काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करेगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।